नवनियुक्त थाना अध्यक्ष मुगलपुरा अमित कुमार तोमर ने अपने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। मुरादाबाद रविवार को थाना अध्यक्ष मुगलपुरा अमित कुमार तोमर ने क्षेत्र के गणमान्य एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वरिष्ठ नागरिक एवं सम्मानित लोगों से सुझाव मांगे। थाना अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझे या मेरे चौकी इंचार्ज से संपर्क करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। बैठक में सारे चौकी इंचार्ज मौजूद रहे एवं पार्षद सलीम वारसी, कमर सलीम, पार्षद योगेंद्र रस्तोगी, पार्षद प्रेम कुमार, पार्षद श्रीगुल, जुबैर अहमद, सलाउद्दीन मंसूरी, नौमान मंसूरी, नौशाद वारसी, हाजी फहीम अहमद, नावेद अली बेग, उस्मान अली एडवोकेट, पंडित कंचन, अनिल दुबे, अन्य लोगों ने सुझाव दिए। बाद में थाना अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि आपके सुझाव पर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर जनता का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। समस्त गणमान्य लोग एवं जनता ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। बैठक में राजेंद्र कौर SI, नरगिस SI, अमित तोमर थाना प्रभारी, राजीव कुमार, नितेश SI आदि उपस्थित रहे। सलीम वारसी, पार्षद जामा मस्जिद। सलीम, आज ये मीटिंग चल रही है, किस पर चल रही है आज ये मीटिंग? इंस्पेक्टर साहब ने इसलिए बुलाई थी कि एक तो इनका पोस्टिंग नया हुआ है, ये पहले कोतवाली बेदपुर द्वारा चौकी इंचार्ज तोमर जी, और अभी ये मुंडा पांडे चार्ज पर थे, उसके बाद यहाँ आए। तो अपने थाना मुगलपुरा क्षेत्र के मौजूद लोगों को बुला कर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कि जिससे अमन और शांति और भाईचारा बना रहे और आपस में लोगों का अच्छा तालमेल हो, और ये जाम वगैरह को लेकर ज्यादा चर्चा है कि जाम किस तरह से खत्म कर सकते हैं हम लोग, कि जनता और पुलिस मिलकर जाम की समस्याओं को खत्म करें और जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव पर भी हमें शांति के साथ चुनाव निपट जाए। इंस्पेक्टर साहब की अच्छी सोच है, इन्होंने सही मीटिंग बुलाई है और सही जनता को आदेश दिया है कि भाई इस पॉइंटों पर हमें काम करना चाहिए। जैसे शादी हाल है, शादी हालों पर उल्टी सीधी रक्षा वाले खड़ी कर लेते हैं, तो जहाँ तक पुलिस है वो तो लगी हुई है, लेकिन जो हम मोहल्ले के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उसके आसपास रक्षा वालों को, टेम्पो वालों को समझा दें, बस यही चीज को लेकर इन्होंने मीटिंग बुलाई है।